आज हमारे साथ मनीष जी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले कुछ बच्चे आए थे मेरे पास, बोले कि सर मनीष जी की बड़ी याद आ रही है। तो मैंने कहा हाँ, याद तो हमें भी सबको आ रही है, बहुत सारे टीचर्स भी आते हैं, टीचर्स भी कहते हैं कि उनकी याद आ रही है। तो बोले सर उनके ऊपर बिल्कुल झूठे केस लगाए गए हैं, उनको गलत तरीके से फंसाया गया है। मैंने कहा वो तो सारी दुनिया जानती है। मनीष जी ने आप लोगों के लिए मैसेज भेजा है, वो कह रहे हैं मैं ठीक हूँ, जहाँ भी हूँ ठीक हूँ, चिंता मत करना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। उनको वहाँ पे अंदर बैठ के भी आप लोगों की पढ़ाई की चिंता है, आप लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई में ध्यान देना, अच्छे नंबर लेके आना, अच्छे से पढ़ाई करना। उन्होंने मैसेज भेजा है। हम सब जानते हैं कि हर एक की जिंदगी में, और खासकर जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, तो भगवान कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते? राजा हरिश्चंद्र हुए थे, राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े राजा थे, सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो भगवान ने उनकी परीक्षा ली ये देखने के लिए कि कितना बड़ा सत्यवादी है ये। सो उनका सारा राजपाट छीन लिया। उसके बाद उनके बेटे की मौत हो गई। जब उनकी वाइफ उनके बेटे को जलाने के लिए शमशान घाट पहुंची, तो उनके पास कफन के लिए पैसे भी नहीं थे। इस तरह से परीक्षा लेते हैं भगवान। तो भगवान मनीष जी की भी परीक्षा ले रहे हैं, और मनीष जी 100/100 नंबर से पास होके वापस आपके साथ। जल्दी आएंगे। और आप सब लोग, सारे बच्चे सवेरे भगवान की प्रार्थना करते हैं? तो जब भगवान की प्रार्थना करो, तो मनीष जी के स्वास्थ्य के लिए और मनीष जी के भले के लिए भी प्रार्थना करना। ओके?